देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मगोरा के क्षेत्र झींगा नगला वन्य गांव में किसान जलभराव को लेकर काफी परेशान हैं। जी हां, आपकी स्क्रीन पर जो जलभराव की तस्वीरें देख रहे हैं यह मगोरा थाना के क्षेत्र नगला झींगा की है। यहां किसानों के खेतों में पानी इस कदर बढ़ गया है कि जो लगी हुई फसल तो बर्बाद हुई है और अब यह आगे की फसल भी नहीं वो पाएंगे। इस जलभराव को लेकर आज किसानों में काफी आक्रोश दिखाई दिया। इस समस्या को लेकर गांव के निवासी एडीएम फाइनेंस से मिले, क्षेत्रीय विधायक से भी मुलाकात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एडीएम साहब ने आश्वासन देकर वहां से लौटा दिया। उनका कहना है कि हम लोग बहुत दिनों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी शासन और प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ लोग इस जल भराव से इतने व्याकुल हैं कि कुछ कर गुजरने को बोल भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है, इस जल भराव की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे या आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। ये साहब जुलाई से ही पानी भरा हुआ है और करीब यहाँ कितने महीना हो गए, बरसात से पहले से ही, बरसात पहली बरसात हुई थी जब इसे पानी भरा हुआ। बरसात का ही पानी है, बरसात का ही पानी और हर साल का यही। आप लोगों ने इस पानी को लेकर किसी प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात नहीं की? प्रशासनिक अधिकारी कराया, कोई सुनाई नहीं देता, सबसे कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात की, कल गए थे कलेक्टर साहब के पास, गए थे उससे पहले भी गए थे, 8-10 दिन पहले फिर गए, कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं करता। आश्वासन दे देते हैं 7-8 दिन बाद में फिर इसकी सुनेंगे, आपको जवाब देंगे। अब तो हमारा ये लास्ट है और हम तो फिर सरकार के पास जाएंगे और अपने पूरे परिवार को लेके जाएंगे और ईंधन भी और चूल्हा भी और पूरी राशन सामग्री सरकार को देनी पड़ेगी, उसी के यहाँ जाके हम अपना जो है डेरा डाल देंगे। देखिए, पानी की समस्या जब कभी बरसात ज़्यादा होती है तो ये हो जाती है समस्या। गोवर्धन क्षेत्र में मथुरा जनपद में कईयों एक गांव ऐसे हैं, गोवर्धन क्षेत्र के 4 से 10 गांवों से मैं जागरूक वाकिफ हूँ, मुझे जानकारी है। और पिछली सरकारों में ऐसी व्यवस्था होती थी कि पानी निकलवाए जाते थे, किसानों की बुवाई फसल की बुवाई भी होती थी, मुआवजे भी दिए जाते थे, लेकिन ये सरकारें इस समय की सरकार ऐसी है जो बिल्कुल सोई हुई है। कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, कहीं भी कोई व्यवस्था करने को तैयार नहीं है, पानी कहीं फेंके जाने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रशासन भी कहीं कोई सहयोग नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति में हम लोग आपके माध्यम से उन्हें एक चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस पानी को फेंकवाएं। ये सोनौर सोमाली की ज़मीन है, मगोरा पंचायत के नगला झींगा की ज़मीन है, इसमें आगे बूढ़िया भंडार की ज़मीन में पे बहुत पानी है, बचगाम पंचायत में बहुत पानी है और आपके नीम गाँव में बहुत पानी है। तो ये 4 से 10 जगह जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को जल्दी से जल्दी प्रशासन फेंकवाए, किसानों की फसल जो है बुवाई की प्रॉपर व्यवस्था हो और इनको मुआवजे दिलाए जाएं। अब देखना ये होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी किसानों की शासन प्रशासन में कोई सुनवाई होती भी है या नहीं। अगर हम यहाँ पानी की बात करें तो इन खेतों में पानी लगभग 8 फीट गहराई से भरा हुआ है, खेत नहीं तालाब दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों को सरकार से यही उम्मीद है कि जो इन फसल नष्ट हुई है उसका मुआवजा दिया जाए और इस पानी को निकालने का समाधान किया जाए। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।